एपिसोड 78 खुशी की चमक। जब वरुण ने डिंपल को कॉल किया था तो उस वक्त वो अपने फैक्ट्री के ऑफिस में बैठी वेलफेयर सोसाइटी की हेड मिसेस मित्रा की कही बातों के बारे में सोच ही रही थी। वो भी वरुण की तरह बस एक ऐसा आइडिया ढूंढने में लगी हुई थी जिस पर वो दोनों साथ में काम कर सके कि तभी उसका फोन बजा। डिंपल को इतनी जल्दी वरुण का कॉल आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने सोचा था कि यहाँ से जाने के बाद वरुण थोड़े दिन अपने ब्रांड के लॉन्च में बिजी रहेगा और शायद उसके बाद ही जब उसे कभी डिंपल की याद आए तो वो उसे कभी फोन लगा ले। इसीलिए फोन उठाने से पहले उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। फोन की स्क्रीन पर वरुण का नाम देखने के बाद उसे उठाने तक में डिंपल के मन में न जाने कितने ख्याल आकर गुजर गए थे जो उसके दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफी थे। और डिंपल ने जैसे ही फोन उठाया फोन की दूसरी तरफ से वरुण की आवाज आई। हेलो डिंपल। वरुण की आवाज कान में पड़ते ही जैसे डिंपल की तेज चलती दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई और साथ ही उसकी सांसें भी। वरुण की आवाज सुनने के बाद डिंपल के मुंह से बोल नहीं निकलते हैं। तभी वरुण ने आगे कहा, हेलो डिंपल, मुझे एक आइडिया मिल गया है जिससे तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई आ सकती हो। वरुण के मुंह से ये बात सुनने के बाद भी डिंपल को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और वो वरुण से पूछती है, क्या क्या मतलब है मैं मुंबई आ सकती हूँ? डिंपल की आवाज से वरुण साफ समझ जाता है कि उसे उसके फोन करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर अपने दिमाग से फिलहाल के लिए सारे ख्यालों को झटक कर कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे वेलफेयर सोसाइटी की औरतों का वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा और हमारे पास मेरे इवेंट के लायक उनके बने कारपेट भी मिल जाएंगे। डिंपल को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई प्लान भी हो सकता है जिसे ये मुमकिन हो पाए और वो पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है वरुण? सोसाइटी की लेडीज का ओरिजिनल काम उनके किए बिना कैसे पूरा हो सकता है? इस पर वरुण डिंपल को समझाते हुए कहता है, मुमकिन है डिंपल, तो मेरा प्लान तो सुनो। इसके बाद वरुण डिंपल को अपना सोचा हुआ सारा प्लान सुनाता है और डिंपल जैसे जैसे प्लान को सुनती जाती है उसके चेहरे पर एक चमक बढ़ती जाती है और आखिरकार डिंपल खुश होती हुई कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वरुण, इससे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी और मेहनत के साथ ही बहुत सारा टाइम और पैसा भी बच जाएगा। फाइनली डिंपल को अपने प्लान से खुश होता देख वरुण मन ही मन एक्साइटेड होता हुआ कहता है, यस। तभी डिंपल आगे कहती है, मुझे तो तुम्हारे आइडिया पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आई एम श्योर मिसेज मित्रा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरुण, तुम एक काम करो, प्लीज कल सुबह तक इसके कॉन्ट्रैक्ट का एक ड्राफ्ट बनाकर भेज दो जिसे साइन करके हम कल ही काम शुरू कर दें। तब तक मैं मिसेज मित्रा से ये बात करके तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? अब हेलो वरुण। डिंपल से मिले अपने पहले बिजनेस प्रपोजल के रिजेक्शन के बाद अपने लिए ऐसी तारीफ सुनकर वरुण के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन जैसे ही डिंपल ने उसका नाम लिया उसने अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ डिंपल, मैं सुन रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट भिजवाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही वरुण और डिंपल के बीच बिजनेस से जुड़ी बातें खत्म हो गई थी, लेकिन दोनों का ही फोन डिस्कनेक्ट करने का मन नहीं था, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे एक दूसरे से क्या कहें। इसीलिए दोनों अपने अपने फोन को कान में लगाए अपने ऑफिस केबिन में गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हुए एक दूसरे से कुछ कहने का वेट करते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही खामोशी में एक दूसरे की चढ़ती उतरती सांसों को सुनने के बाद डिंपल अपना मन मारती हुई हिचकिचाकर वरुण से कहती है, मैं जाकर मिसेज मित्रा से बात करती हूँ, उसके बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। इस पर वरुण एक छोटा सा हूँ और उसके बाद बाय कहकर फोन रख देता है। डिंपल भी फोन रखने के बाद उसी वक्त मिसेज मित्रा से मिलने के लिए निकल पड़ती है और वरुण अपने केबिन में खुशी के मारे उछलता हुआ जोर से चीखता है, यस यस यस, फाइनली अब सब ठीक हो जाएगा, अब मेरे पास डिंपल के टच में रहने का एक वैलिड रीजन है और उसे मुंबई बुलाने का भी, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, अब बहुत सारा काम है। डिंपल से बात करने के बाद वरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और वो काम करने के लिए एक नए जोश से भर गया था, लेकिन अभी एक और बड़ा काम था जो उसे करना था। अपने इस आइडिया के हिसाब से अब वरुण को एक नया बिजनेस प्रपोजल भी बनवाना था जो काम मिनी का था, और ये काम जल्द से जल्द करवाने के लिए उसने खुद को शांत करते हुए उसी वक्त मिनी को कॉल किया। लेकिन जब दो बार पूरी पूरी रिंग जाने के बाद भी मिनी ने अपना फोन नहीं उठाया तो वरुण सोच में पड़ गया, ऐसा तो कभी नहीं होता था कि मिनी मेरा फोन ना उठाए, फिर आज क्या हो गया ऐसा? वरुण अभी खुद से कह ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है और वो अपना सर पीटता हुआ कहता है, ओ मिनी मेरा फोन कैसे उठाएगी, और जिस तरह से मैंने उसे बिहेव किया था मैं उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ कि वो मेरा फोन उठाए।
मैं भी ना, जरा से गुस्से के कारण इतने सारे कामों में मिनी को मनाने का काम और बढ़ गया, क्योंकि उसको प्लान में शामिल किए बिना तो गाड़ी आगे बढ़ने से रही। उसके बाद वरुण मिनी को मनाने के 10 तरीके सोचता हुआ घर जाने के लिए अपने केबिन से निकल जाता है। जब तक वरुण अपने घर के रास्ते में था, तब तक आलिया ये जानने के बाद कि वो मुंबई वापस आ गया है, उसके घर सिंघानिया हाउस पहुंच गई थी। वहां पहुंचने के बाद आलिया ने वरुण के पापा को सही सलामत लिविंग रूम में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ता देख हैरान रह गई थी, क्योंकि अब तक पूरे शहर को यही पता था कि वर्धमान सिंघानिया वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है और उनकी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं। वर्धमान और आलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि आलिया पहले भी अपने पापा के साथ वर्धमान की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टीज में आ चुकी थी। जब वर्धमान अपने न्यूज़पेपर में खोए थे तो आलिया उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली, ओ माय गॉड वर्धमान अंकल, आप ठीक हो गए? अचानक आलिया की आवाज सुनकर वर्धमान चौंक जाते हैं और अपना सर ऊपर कर आलिया को देख उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी आलिया सोफे पर उनके पास बैठती हुई कहती है, मैं आलिया, आलिया सिंह। आलिया का सरनेम सुनते ही वर्धमान को सब याद आ जाता है और उनके चेहरे पर ऐसे भाव आ जाते हैं जिनसे पता चलता है कि वो आलिया को पहचान गए हैं। और आलिया जो अभी तक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, वो आगे कहती है, ये चमत्कार कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला इस बारे में, वरुण ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आलिया के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर वर्धमान उसे शांत कराते हुए कहते हैं, पहले तो शांत हो जाओ आलिया और पानी पियो। ये कहते हुए वर्धमान आलिया की तरफ टेबल पर रखे पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हैं, फिर आगे कहते हैं, मुझे ठीक हुए अभी कुछ 2 दिन ही हुए हैं, खुद वरुण को इस बारे में मुंबई लौटने के बाद पता चला, इसीलिए शायद वो अब तक तुम्हें नहीं बता पाया है। वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, मुझे नहीं पता था कि तुम और वरुण इतने अच्छे दोस्त हो। वर्धमान की ये बात सुनकर आलिया मुस्कुराती हुई कहती है, आपको और भी बहुत कुछ नहीं पता है अंकल, वैसे अंकल वरुण कहाँ है, मुझे उसकी क्लास लेनी है, कहने को फ्रेंड कहता है लेकिन एक बार भी मुंबई से बाहर जाने से पहले पूछा नहीं, साथ चलने के लिए कहने की बात तो बहुत दूर की है, और वापस आकर भी ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, उसे तो मैं बताती हूँ आज। ये कहकर आलिया ऊपर वरुण के कमरे की तरफ देखते हुए उसे आवाज लगाने लगती है, वरुण वरुण अभी यहाँ आओ। ये सुनकर पिछले 5 मिनट से लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े वरुण ने आलिया की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वरुण कहता है, पर मैं तो यही हूँ। वरुण की आवाज सुनकर आलिया और वर्धमान दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो दोनों वरुण के चेहरे पर झलक रही खुशी को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। तभी वरुण आलिया की तरफ बढ़ता हुआ अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी आलिया, अचानक से इतना सब कुछ हो गया कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, पर अब तुम आ गई हो ना तो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। ऐसे अचानक प्रॉमिस की बात सुनकर आलिया और वरुण के पापा दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। ये देखकर वरुण आगे कहता है, आलिया अभी तक पापा के ठीक होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर लेते, हम नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले, इसीलिए प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर आलिया अपना सर हिलाकर हामी भरती है और वरुण अपने पापा को रेस्ट करने के लिए कहकर आलिया से बात करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। वरुण आलिया को पिछले 2 दिनों में जो जो कुछ हुआ था वो सारी बातें बताता है कि कैसे प्रोफेसर अवस्थी ने उसे धनबाद के उस वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताया, उसके बाद अचानक वरुण ने वहां जाने के बारे में तय किया, फिर वहां किसी चमत्कार की तरह डिंपल का मिल जाना, वरुण का डिंपल के घर पे ठहरना, डिंपल का उसके बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट करना, उन दोनों की लड़ाई, फिर उन दोनों की अभिषेक की मम्मी से लड़ाई और उसका कारपेट फैक्ट्री का टूर, लेकिन उसके बाद जो फैक्ट्री के गोडाउन में हुआ था या एयरपोर्ट की पार्किंग में, ये कहने से वरुण झिझकता है और आखिरकार उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। आलिया बेवकूफ नहीं थी, इसीलिए वरुण को इतना एक्साइटेड होकर डिंपल के बारे में बात करता देख उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि वरुण के चेहरे पर दूर से ही झलक रही इस खुशी का कारण क्या है। वरुण को डिंपल के बारे में बात करता सुन आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वरुण को चुप कराने के लिए उससे कहती है, वरुण मुझे पता चला है कि तुम्हारे ऑफिस की फाइल से वो फोटोज किसने लीक की थी। अब जब वरुण को अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ दिन पहले उसके साथ किसने बुरा किया था और क्यों, फिर भी उसने आलिया से पूछा, कौन था वो आलिया और तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में।
और वरुण के सवाल के जवाब में आलिया उसे अपने फोन में फोटोज दिखाकर जैसे रोहन को सब बताया था वैसे ही सब समझाती है। रोहन का नाम सुनकर वरुण चौंक जाता है कि क्या वो एक बार और रोहन को पहचानने में धोखा खा गया, लेकिन फिर इस बात को टालते हुए आलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जाने दो आलिया, वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अगर हम पहले वाले आइडिया के साथ जाते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना मजा आता जितना मुझे अभी वाले आइडिया के बारे में सोच कर ही आ रहा है। ये सुनकर आलिया मजाक करती हुई वरुण से पूछती है, ये एक्साइटमेंट आइडिया को लेकर है या डिंपल मैडम को लेकर? क्योंकि मैं देख रही हूँ जितनी बार डिंपल का नाम तुम्हारी जुबान पर आ रहा है उतनी ही बार मुस्कान भी छा रही है तुम्हारी होठों पर। आलिया की बात सुनकर वरुण अपनी स्माइल को लेकर सहज हो जाता है और उससे कहता है, क्या आलिया तुम भी कुछ भी कहती हो, वैसे इस संडे मेरे ब्रांड का लॉन्च है और इनफॉर्मल ही सही लेकिन उसमें आने का सबसे पहला इन्विटेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस वक्त वरुण इतना खुश था कि अगर उससे कोई उसकी जान भी मांग लेता तो वो खुशी खुशी दे देता और ये तो फिर भी एक इनविटेशन था। लेकिन ये इतनी सी बात भी आलिया को खुश कर देती है और वो ये सोचने लगती है कि वो वरुण की लाइफ में एक स्पेशल जगह रखती है। जहां वरुण अनजाने में ही आलिया को झूठी उम्मीदें दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ वरुण के पापा आलिया और वरुण की इतनी अच्छी जमते देख अलग ही प्लान्स बना रहे थे। ठीक होने के बाद आलिया वरुण की वो पहली दोस्त जिससे वर्धमान मिले थे और उसे तो वो पहले से भी जानते थे कि वो कितनी धीर गंभीर है, इसीलिए अपने बेटे के लिए उसे पसंद करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती और वो वरुण के कमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़की तो अच्छी है, सुंदर है, समझदार है, बिजनेस का सेंस है इसे, वरुण को भी इतने अच्छे से समझती है और वरुण भी तो कितना इज्जत करता है इसकी, इससे अच्छी लड़की मुझे नहीं लगता वरुण को और कोई मिलेगी। जहां वरुण डिंपल के मुंबई आने के बारे में सोचकर फूले नहीं समा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पापा उसका रिश्ता उसकी दोस्त आलिया से जोड़कर देख रहे थे। दो सिंघानियास के बीच किसका फैसला होगा आखिरी, क्या होगा आलिया का अगला कदम वरुण और डिंपल की इन नजदीकियों को भापने के बाद, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।